हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। माई सेल्फ सचिन शर्मा, आज से इस चैनल पर आप लोगों के लिए हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं डाउट क्लासेस की। तो जो लोग पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को ये बात पता होगी कि मैथ और रीजनिंग के अंदर ऑलमोस्ट मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आप लोगों का सबसे पहला काम यही है कि आप चैनल पर जो भी मैंने मैथ और रीजनिंग की क्लास डाली हुई हैं उन सभी क्लासेस को आप अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें और अपनी बुक से सवालों को करें। जब आप अपनी बुक से सवालों को करेंगे तो आपके कुछ नए डाउट्स क्रिएट होंगे। वो डाउट्स सवालों को लेकर भी हो सकते हैं या वो कॉन्सेप्ट को लेकर भी हो सकते हैं। तो यही डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने डाउट भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9997172170। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स मेरे पास आते रहेंगे उन्हीं के आधार पर मैं आप लोगों के लिए डाउट क्लास प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की पहली डाउट क्लास शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक बॉक्स में 70 लाल पेन हैं और 120 नीले पेन हैं। इस बॉक्स में कितने लाल पेन और मिलाए जाएं ताकि लाल पेन की संख्या 60% हो जाए। तो भाई सवाल के अंदर मुझे क्या दिया गया है, लाल पेन की संख्या। लाल को मैं रेड लिख सकता हूं और ये संख्या मुझे दी गई है 70। इसी तरह नीले को मैं ब्लू लिख सकता हूं और इसकी संख्या मुझे दी गई है 120। तो भाई सवाल में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूं तो वो कितना आएगा, तो भाई वो मेरे पास 190 आएगा। यानी लाल और नीले पेन को मिलाकर टोटल पेन कितने हो जाते हैं, 190 हो जाते हैं। अब सवाल में कहा गया कितने लाल पेन और मिलाए जाएं। भाई लाल पेन को मिलाना यानी इनकी संख्या को बढ़ाना। तो मैंने ये मान लिया कि इसके अंदर मैंने आई पेन और मिला दिए। आई मतलब इंक्रीमेंट, यानी मैंने 70 में आई पेन का इंक्रीमेंट कर दिया। अब जो इंक्रीमेंट मैं यहां पर कर रहा हूं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या वो इंक्रीमेंट इन 190 पेन में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। भाई अगर मैंने 70 में इंक्रीमेंट किया इसका मतलब जो कुल संख्या थी ये इंक्रीमेंट उसके अंदर भी होगा, यानी यहां पर भी ये आई लाल पेन बढ़ जाएंगे। अब सवाल के अंदर क्या कहा गया, कितने बढ़ाए जाएं ताकि लाल पेन की संख्या कितनी हो जाए, 60% हो जाए। तो भाई 60% वो होगी किसकी, भाई जितने मेरे पास टोटल पेन थे इसके अंदर मैंने आई पेन को मिला दिया और ऐसा करने के बाद जो लाल पेन की संख्या थी वो कितनी बन गई, वो 60% बन गई। यानी 190 प्लस आई के 60% का मान ये कितना हो जाएगा, भाई 70 तो आपके पास पहले से पेन थे, आई आपने मिला दिए, तो ये बन जाएगी उन पेन की संख्या। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, भाई 60% को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो भाई 60% को मैं लिख सकता हूँ 3/5। किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। ये मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में बताया हुआ है। आगे कैलकुलेट करेंगे तो भाई इधर कितना बन जाएगा, 70 प्लस आई, या तो आप 5 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए आपकी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 570 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3i। 5 से आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 में मल्टीप्लाई करेंगे 350 हो जाएगा, उसके बाद i में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5i हो जाएगा। अब i वालों को आप कैलकुलेट करेंगे तो 5i में से 3i को आप घटाएंगे तो ये आपके पास बच जाएंगे 2i। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें इस i की वैल्यू निकालनी है कि हमने लाल पेन कितने बढ़ाए हैं। इधर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 570 है, ये 350 है, कैलकुलेशन होगी तो 570 में से 350 घट जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये 220 बचेगा। 2 से आप कैलकुलेट करें तो आई का मान कितना निकल के आ रहा है, तो भाई ये निकल के आ रहा है 110। यानी अगर मैं लाल पेन में 110 और लाल पेन शामिल कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो टोटल पेन का 60% बन जाएगा। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक पेट्रोल की टंकी का 4/5 भाग भरा हुआ है, जब इसमें से 6 बोतल पेट्रोल निकाला जाता है और 4 बोतल पेट्रोल वापस डाला जाता है तो टंकी का 3/4 भाग भरा रह जाता है। तो आपको बताना है कि कितने बोतल पेट्रोल से टंकी पूरी भर जाएगी, यानी आपको बोतल की संख्या बतानी है कि कितने बोतल पेट्रोल से टंकी पूरी भर जाएगी।
भाई पहले मैं आपको बेसिक तरीके से समझाता हूं, और जहां पर आपको सवाल के अंदर फ्रैक्शन दी गई है, भिन्न दी गई है, वहां मैं आपको राउंड फिगर से एक बार सवाल को समझा देता हूं। भाई मान के चलिए कि जहां पर आपको सवाल के अंदर 4/5 दिया गया है, वहां मैंने 10 मान लिया कि टंकी के अंदर 10 लीटर पेट्रोल है। तो भाई टंकी के अंदर 10 लीटर पेट्रोल शुरू में है, उसके बाद क्या किया गया, भाई यहां से 6 बोतल को निकाला और 4 बोतल पेट्रोल वापस डाल दिया। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो हमारे पास कमी आई है पेट्रोल में, वो कितनी बोतल की आई है, तो भाई वो 2 बोतल पेट्रोल की कमी आई है। अब ये कमी होने के बाद, भाई वहां पर भी यही प्रोसेस हुआ, ये कमी होने के बाद अब जो टंकी के अंदर पेट्रोल है वो कितना बच गया, वो 3/4 बच गया। भाई जरूर यहाँ पर कोई ना कोई कमी आई होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 बोतल की कमी हो रही है। अब मैं यहाँ पर भी मान लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी आई, जिसकी वजह से अब ये जो 10 लीटर पेट्रोल था वो कितना बच गया, वो 6 लीटर बच गया। तो भाई यहाँ पर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि 10 था, 6 रह गया, इसका मतलब 4 लीटर पेट्रोल की कमी आई। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 लीटर पेट्रोल की कमी क्यों आई है, भाई किसकी वजह से आई है, इन 2 बोतल की वजह से आई है, यानी 2 बोतल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जिसकी वजह से टंकी के पेट्रोल में कमी आई है। तो यहाँ पर आपने सिंपल कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि आपके पास वैल्यू राउंड फिगर में है। यही कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करनी है। तो जब आप 4/5 में से 3/4 को घटाएंगे, तो भाई ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1/20। यानी आप क्या कह सकते हैं कि इतने पेट्रोल की कमी आई है, वास्तव में किसकी वजह से, 2 बोतल की वजह से। यानी 2 बोतल अगर पेट्रोल हमने निकाला तो वो कितना कम हो गया, 1/20। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब मैं 2 बोतल पेट्रोल को वापस डालूंगा तो वो कितना भर देगा, वो 1/20 हिस्से को भर देगा। तो सवाल में हमें क्या करना है, हमें पेट्रोल को भरना है टंकी के अंदर। तो 2 बोतल से कितना भर रहा है, 1/20 भर रहा है। भाई भरना भी कह सकते हैं और कमी होना भी कह सकते हैं। भाई यहाँ से निकाला तो कमी हो गई, वापस डाल दूंगा तो वापस भर जाएगा, किसकी वजह से, 2 बोतल की वजह से। तो ये जो आपको 1/20 दिया गया है, इसको चाहे तो आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 5% हिस्सा या तो भर रहा है या खाली हो रहा है, किसकी वजह से, 2 बोतल की वजह से। यानी 2 बोतल 5% हिस्से को भरती है या खाली करती है। अब मुझे टंकी को पूरा भरना है, तो पूरे का मतलब कितना होता है, 100%। तो 100% बनाने के लिए मुझे यहाँ किससे गुना करनी पड़ेगी, 20 से। तो जो गुना आपने यहाँ पर करी है वही गुना आप इधर कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने बोतल इस टंकी को पूरा भर देगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, 40 बोतल। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, भाई आपको पता है कि 2 बोतल बराबर किसका आया है, 1/20 की आया है। चाहे तो आप परसेंटेज में कैलकुलेट ना करें, भाई टोटल वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, 1। कुछ भी हमने जैसे वर्क वाले जो हमारा टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, वहां पर जब हम एग्जैक्ट यूनिट मानते हैं तो हम 1 मानते हैं। तो अगर मुझे इसका मान निकालना है, 1 यूनिट यानी कंप्लीट वैल्यू, तो मैं 20 की डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई ये 40 बोतल हो जाएगा, और ये पूरी 1 यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे आपको बेहतर लगे, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि दोनों ये डाउट वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इन क्वेश्चन में अगर आपको कहीं डाउट हुआ है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप सभी को नए नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और एग्जाम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर अपना सिलेक्शन ले सकें। तो आज की इस डाउट क्लास में यही 2 क्वेश्चन थे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली क्लास में वापस कुछ डाउट वाले क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।